आज भी प्रतिबद्ध होगा। आप लोगों का मेन डिमांड क्या है? अभी हम लोगों का मेन डिमांड है जो अभी मतलब रेपिस्ट खुले आम घूम रहे हैं, उन लोगों को पकड़ के उन लोगों को सजा देना है, एनकाउंटर या फांसी। हम लोग का पहला प्रतिबद्ध वो है। दूसरा प्रतिबद्ध हम लोग का है, हम लोग का ढिंग में, सिर्फ ढिंग में नहीं, पूरे आसाम में, पूरे इंडिया में जो ड्रग्स का अभी वो चल रहा है, हर जगह जगह में ड्रग्स ले रहे लोग, खुले आम ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं, वो हम लोग को बंद करना है। अभी हम लोग का दावी है, मुख्यमंत्री महोदय को ये दावी है, वो यहाँ पे आके हम लोग को ये मतलब प्रॉमिस करे कि हम लोग का महिला जो है, इंडिया का महिला जो है, आसाम का जो महिलाएं है, वो सुरक्षित है। हम लोग को अभी कहीं पे भी हम लोग को मतलब धर्षण या रेप कहीं पे भी नहीं होगा, वो आके हम लोग को प्रॉमिस करना है। हम लोग ऐसे ही प्रतिबद्ध करते रहेंगे जब तक हम लोग को कम्प्लीटली न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हम लोग को कम्प्लीटली हम लोग का जो दाबी है वो दाबी वो लोग मान नहीं लेते, तब तक हम लोग प्रतिबद्ध करते रहेंगे। रेप को बंद नहीं करते है, ड्रग्स को बंद नहीं करते है, जो खुरापान करते हैं वो सब बंद नहीं करते, जो क्राइम अभी तक हो रहा है, बहुत क्राइम हुआ है जिसका अभी भी कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिला है, अभी तक कोई भी सजा डिक्लेयर नहीं किया है, अभी भी बहुत सारा रेपिस्ट खुले आम घूम रहे हैं। हम लोग का ये प्रतिबद्ध पूरे भारत वर्ष तक जाए, पूरे इंडिया की महिलाओं के कानों में गूंजे, पूरे सरकार के कानों में गूंजे, और जो सरकार है वो सरकार मतलब मजबूर हो जाए एक आइन बनाने के लिए, जो आइन में रेपिस्ट को अंडर 24 आवर्स फांसी की सजा सुनाए या एनकाउंटर करे, तभी हम लोग महिलाएं शांत होंगे, नहीं तो ये एक आंदोलन में भी परिवर्तन हो सकता है। ये प्रतिबद्ध हम लोग का अभी यही दाबी है मुख्यमंत्री से, वो आप आइए, हम लोग के सामने आइए, हम लोग के साथ एक साथ बैठिए, प्रतिबद्ध के स्थली में आइए, और हम लोग जो प्रश्न है हम लोग का जो दाबी है वो सुनिए, और उसके बाद उसका काम करिए, वो दाबी को मान ले, और वो हम लोग को प्रॉमिस करे कि आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा, उसके लिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, प्रशासन दिखाया उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, तभी हम ये प्रतिबद्ध रुकेंगे, नहीं तो ये आंदोलन में परिवर्तन हो सकता है। बजट जो आप लोग सब जानते ही है, वो जो नाबालिका का दर्शन हुआ है ना, उसी के लिए हम लोग का तीन दिन है, तीन नंबर का दिन है, आज हम इधर बैठे हुए हैं, और अभी तक वो एक को मारा दिया गया है, लेकिन बाकी दो अभी खुले आसमान में घूम रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर कोई भी वो रेप केस में अगर मिल जाए ना, तो उसको रेपिस्ट को एक ही सजा देना चाहिए, एनकाउंटर या फांसी, उसके सिवा उसका और कोई सजा हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम इधर बैठे हुए हैं, और बाकी दो जो अभी खुलेआम घूम रहे हैं, उन दोनों को भी जब तक वो अरेस्ट नहीं करेंगे, जब तक वो एनकाउंटर या फांसी नहीं देंगे, तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे। और अकल इधर क्या आसाम ढींग का है, ऐसा नहीं है, आसाम का या पूरे भारत का जो भी लड़की को रेप करेंगे ना, उसका एक ही सजा होना चाहिए। हम वो उसको मंत्री जी को अनुरोध करते हैं कि वो जो आईन है ना, वो बलवत कर दीजिए, क्योंकि अभी एनकाउंटर और फांसी के बजाय और कुछ भी नहीं हो सकता, रेपिस्ट के लिए सजा और कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरा नाम भाष्वती देवी है।